हे गाइस वेलकम टू माय चैनल सो मै टेरोड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की आपके पर्सन की टेरो कार्ड में देखेंगे सो डियर गाइस जनरल रीडिंग है टाइमलेस है मेरी टेरो कार्ड रीडिंग तो सडनली अगर आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिए आपके लिए है इसलिए आपके सामने आई है टाइमलेस है तो उसका कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कभी भी आप देख सकते हैं और वैसे भी मेरी रीडिंग उसी तक पहुँचेगी जिसकी एनर्जीज होगी अगर आपके सामने मिलती है मेरी रीडिंग या आप आप मेरी रीडिंग को देखते हैं तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ एनर्जीज है जिसकी वजह से ये रीडिंग जो है वो आपके सामने आई है और आप इसको देख रहे हैं तो जनरल रीडिंग है टाइमलेस है मैंने आपको बता दिया है दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं सो एनर्जीज़ क्या है एनर्जीज़ को देखेंगे इस टाइम पर सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कार्ड्स मैंने सफल कर लिए हैं अपने अच्छे से अब क्या एनर्जीज है चेक करेंगे एनर्जीज के बेस पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे पहले ओके ओके इस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही हाल ही में रिसेंटली किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से माइंड अपसेट हो रहा है मुझे आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा इस टाइम पर क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि आई आपकी भी एनर्जीज ऐसी ही आ रही है और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है अपसेट हो रहा है और रिसेंटली या तो फिर आप दोनों के बीच आर्ग्यू हो गई है ठीक है इसी बात पर फोकस कर रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर भी ना उस चीज़ से बाहर नहीं आते हुए दिख रहे हैं एंड सेकेंडली आपकी भी एनर्जी सिचुएशन ऐसी ही आ रही है जैसे कि आ, किसी चीज़ को लेकर एक ही एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो एंड अपसेट एनर्जीज आ रही है और रिसेंटली जैसे मैं कह रही हूँ कि मतलब मुझे रिसेंटली आपका किसी बात को लेकर झगड़ा रिसेंटली कुछ आ, थर्ड पर्सन सिचुएशन की वजह से या तो आपका आप लोग इस टाइम पर बात नहीं कर रहे हो ठीक है मतलब आपकी इस समय अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है मेन चीज़ यहाँ पर यह कह हैं है टेरोकार्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल मिल रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपके लिए स्ट, आ रही है माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है कुछ ड्रीम्स देखे थे आपने अपने रिलेशन को लेकर ठीक है जिस जिसको मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको लग रहा है कि आप आपने तो इतने सपने देखे इतने ड्रीम्स देखे अपने रिलेशन को लेकर अपने पार्टनर को लेकर और ये जो थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से फाइट हो गई या थर्ड पर्सन की वजह से दूरियाँ आ रही हैं क्योंकि आपके आ, जो पार्टनर हैं जो पर्सन है उनका मैं देख रही हूँ कि जो झगड़ा आपका मोस्टली हुआ है वो शायद इग्नोरिंग एनर्जीज़ आ रही है इग्नोर करना और इग्नोर भी शायद इतना ज़्यादा कर रहे हैं जिससे कि अब आपको गुस्सा आना शुरू हो गया है मुझे यहाँ पर ये यह दिख रहा है क्योंकि शायद आपने उनके जो इग्नोर थे उनको आपने अवॉइड किया कि चलो इग्नोर है कोई बात नहीं हो सकता है किसी बात की वजह से बिजी हो या जो भी हो लेकिन आ, आ, मुझे जो एनर्जीज दिख रही है मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो एनर्जीज मेरे को इग्नोरिंग अनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है दूसरी चीज़ फैमिली आपके रिश्ते को मान नहीं रही है मतलब आपके पार्टनर तो आपके रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे हैं मैं देख रही हूँ एनर्जीज क्योंकि कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही हैं कि पर्सन तो है वो आपका वो इस रिश्ते के लिए रेडी हैं मतलब वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता रहे और आप ऑलवेज स्टेबल रहो ठीक है साथ में रहो और हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को लव करते रहो ठीक है अंडरस्टैंड करते रहो लेकिन मुझे आपके पार्टनर की जो अनर्जीज़ आ रही है कि वो तो आपको समझते हैं लेकिन वो फैमिली के बहुत ज़्यादा कहे में है और फैमिली जो है वो पूरा फोकस करके रखी हुई है आपके पार्टनर के ऊपर जिससे कि आपका जो रिश्ता है जो आपका रिलेशन है वो आगे ना जा पाए मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे होंगे इस टाइम पर और इग्नोरिंग एनर्जीज़ की वजह से ही ऐसी सिचुएशन हो रही है कि मतलब आपस में फ़ाइट होना या फिर आर्ग्यू हो जाना ठीक है ऐसे नहीं दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो गई है झगड़ा हो गया है और तीसरी मुझे यहाँ पर दिख रही है कोई थर्ड पर्सन बराबर आपके रिलेशन को अपना रिलेशन मानकर मान कर आपके पार्टनर के साथ है ठीक है मतलब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका जो रिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से आपके पार्टनर के साथ था लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो थर्ड पर्सन की तरफ शिफ्ट हो रही है ठीक है मतलब आ, मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके पार्टनर या आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर किसी की इन्वॉलमेंट दिख रही है किसी की मौजूदगी दिख रही है मुझे और वो जो थर्ड पार्टी है जो भी वो थर्ड पर्सन है जो आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है आपके पार्टनर आ, के ज़बरदस्त मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ उसकी जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की आ रही है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली और हर तरीके से वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है मतलब उसकी जो भी थर्ड पार्ट पार्ट पार्टी है वो हो सकती है किसी इनके वर्क प्लेस पर हो या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आ... क्योंकि ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं मुझे और जो भी ये थर्ड पर्सन है इससे आपके पार्टनर का जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ही आ रही है कि आपके पार्टनर इनकी बातों को मान रहे हैं ठीक है एंड उनकी बातों को मानकर आपके पार्टनर जो है ना उस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं मैं ऐसा देख रही हूँ जिसकी वजह से वो इग्नोर कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन मुझे आ रही है आपका इतना पुराना रिलेशन क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स में आप देख रहे होंगे फियर डार्कनेस एंड फियर्स मतलब कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लग रहा है कि मतलब ये थर्ड पर्सन में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं या फंसाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि समटाइम्स आपके पार्टनर उसमें इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं या फिर उस थर्ड पर्सन को पसंद भी नहीं करते हैं तब भी कहीं ना कहीं उनकी वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर करना बहुत ज़्यादा मैसेजेस करना बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में बोलना और आपके पार्टनर को ये कोशिश कराना कि वो जो है थर्ड पार्टी वो पूरी तरीके से आपके पर्सन के लिए है मीन्स थर्ड पर्सन अपना बहुत ज़्यादा हक जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर जमाती है राइट लेकिन आपके पार्टनर की जो अनर्जीज़ आ रही है उनकी एनर्जीज ये आ रही है कि वो उसकी इन्वॉलमेंट की वजह से उसके साथ बात करते हैं उनके साथ लेकिन उनकी फीलिंग्स मुझे नहीं दिखाई दे रही है अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दी मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी क्योंकि एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी आ रही है कि आप दोनों के बीच में आ, जब झगड़ा होता है या आर्ग्यू होती है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है तो आपके पार्टनर का जो मूड है वो मैं देख रही हूँ कि स्विंग होता है मतलब इफेक्ट पड़ता है उनका उनके ऊपर और अगर किसी किसी के बोलने से या ना बोलने से आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं उस इंसान को आपकी परवाह है और अगर आपके ना बोलने से उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है तो मीन्स उसको परवाह ही नहीं है आपकी आप बोलो उसे या ना बोलो लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के ऊपर इफेक्ट्स पड़ रहे हैं और इफ़ेक्ट क्या पड़ रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर मैं देख मैं आपको बताना चाहूँगी मैं कार्ड से पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ तभी मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या इफेक्ट्स उनके ऊपर पड़ रहे हैं देखो सबसे पहला इफेक्ट मुझे आपके पार्टनर के ऊपर जो पड़ता वो दिखाई दे रहा है आप पता भी अगर आप आप उनके साथ हैं या फिर आप उनके साथ हैं या फिर आप उनके आप उनके बारे में आपको पता है तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे ठीक है सबसे पहले चीज़ है मुझे आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं ठीक है क्योंकि आई थिंक जब आपके पर्सन आपके साथ बात करते थे तब उनके हेल्थ इश्यूज नहीं थे ठीक है और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छी एनर्जीज़ में थे ठीक है काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पी रहते थे अभी उनके हेल्थ इशू आ रहे हैं साइलेंस हो चुके हैं वो बिल्कुल बात नहीं करना आई थिंक किसी से भी बात नहीं करते हैं ठीक है हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको जरूर चेक करते हो लेकिन उनका सोशल मीडिया ऑफ पड़ा हुआ है मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रही हैं वो हो सकता है कि वो समाज के सामने या सबके सामने लोगों के सामने वो अपना स्माइली फ़ेस रखते हों या फिर वो ऐसे जाहिर करते हों कि आ, कुछ अपनी मतलब कुछ अपनी मौजूदगी दिखाना या फिर प्रेजेंटेशन दिखाना लेकिन उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो क्वाइट हो गई है साइलेंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगे हैं हेल्थ इशू जैसे मैंने बोला कि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं करियर को मैं देख रही हूँ करियर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फुल हो रहा है मतलब करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं है उनकी कोई वर्क लाइफ नहीं है या फिर वो फ्री हैं नो ऐसा नहीं है वो बिजी है वर्क लाइफ है उनकी कुछ भी हो सकता है वो कोई घर मतलब घर का भी कुछ उनका हो सकता है या कुछ ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है राइट right, कुछ भी एनर्जीज़ हो सकती है लेकिन वो अपनी लाइफ में बिजी होने के बाद भी पूरा फोकस उनका आपकी तरफ है तो मैं यहाँ पर ये एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस तनाव है जो कि ट्वेंटी फोर आवर्स का बना हुआ है बहुत ज़्यादा परेशान मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है डियर गर्ल्स कि उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं जो आपके पर्सन हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं मेन एनर्जीज़ ठीक है और वो आपके साथ स्टेबल भी होना चाहते हैं उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद है आप खुद बहुत पसंद है उन्हें ठीक है और लेकिन आ, लेकिन वो थर्ड पर्सन की वजह से और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों दूर हो चुके हो पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पर तो आपकी पर्सन जो है ना वो काफ़ी अपसेट है और बहुत ज़्यादा जैसे मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज उनकी स्लो एनर्जीज आ रही है मीनस बहुत ज़्यादा उदास होना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना ये सारी चीज़ें मुझे उनकी दिख रही हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मुझे दिख रहे हैं जैसे कि नींद ना आना रात रात भर जागना रात रात भर की बातों को सोचना ये सारी चीज़ें भी मुझे आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ दिख रही हैं जैसे कि लाइक हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया या फिर कुछ गलत फहमियाँ हुई आप दोनों के बीच में वो भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं तो परेशान तो मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम पर दूरियाँ यहाँ पर आ रही हैं कि दूरियों की वजह से वो हैप्पी नहीं है तीसरी चीज़ थर्ड पार्टी जो भी है ठीक है थर्ड पर्सन की एनर्जीज को मैं आपको बताना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड पर्सन के साथ वो हैप्पी हैं या फिर उन दोनों के बीच में एक खुशियाँ हैं और वो अपने आप वो थर्ड पर्सन के साथ स्टेबल होना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ ही जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा फ़ोर्स हाँ मुझे जरूर दिखाई दे रहा है किसी का फोर्स हो सकता है उनके ऊपर कंट्रोल हो सकता है उनके ऊपर लेकिन ऐसा नहीं है दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ड्रीम्स में देख रही हूँ कि ड्रीम्स में भी आपकी पर्सन आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा और ड्रीम्स में वो हमेशा यही देखते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो आप उनसे बोल रहे हो या फिर आपका उनका साथ है और ये सारी चीज़ें मतलब ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं मैं ये भी एनर्जीज को देख रही हूँ तो आ, टोटल एनर्जीज आ रही है कि रीयूनियन तो आपके पर्सन चाहते हैं क्योंकि ब्लॉक एनर्जीज मुझे साफ दिखाई दे रही हैं ब्लॉक या तो उन्होंने कर रखा है हर जगह से ब्लॉक किया है आपको ठीक है हर हाँ जगह से हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी हो रहा है कि मतलब मेंटली स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि वो इस इस स्ट्रेस में जाना नहीं चाहते हैं वो आपके साथ मिल रहना चाहते हैं ठीक है लेकिन आप दोनों के बीच में किसी भी थर्ड पर्सन को लेकर बार बार एक ही बात आ जाती है दूसरी चीज़ में यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिख रही हैं देख रही, है। रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने कुछ जानबूझकर थर्ड पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए और आपके साथ बहुत मिसबिहेव या रूडली बिहेवियर किया लेकिन उन चीज़ों की वजह से भी आज उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जानबूझ और अब जो थर्ड पार्टी है उसका गुस्सा या उसका झगड़ा या फिर उस उसकी जो भी है वो थर्ड पर्सन जैसा भी है क्लाइवर है अब वो सारी चीज़ें उन्हें खुद ही फेस करनी पड़ रही हैं तो इसलिए भी वो परेशान हो रहे हैं सो डियर गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टेरोड रीडिंग और मैं कहना चाहूँगी कमेंट बॉक्स में जो नंबर्स देते हैं लोग बाग उन नंबरों से सावधान रहें मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गई हूँ कमेंट बॉक्स में बंद भी कर चुकी हूँ कई बार लेकिन आप लोग बोलते हो कि मैम कमेंट करना है प्लीज़ ओपन कर दो लेकिन मैं टोटल ही अब कमेंट बॉक्स अपना बंद करने जा रही हूँ क्योंकि जो लोग हैं वो मानते नहीं हैं और कमेंट बॉक्स में बार बार जो है वो अपने नंबर्स दे रहे हैं फेक लोग हैं वो लोग आप लोग सावधान रहें आपको अगर मेरे से नंबर लेना है बा, बात करनी है मैसेज करना है तो मेरा जो वीडियो आ रहा है उसी पर से नंबर लें आप ठीक है कमेंट बॉक्स के नंबर से सावधान एंड टेक केयर बाय बाय